Realme GT Neo 3T इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। जून में ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। एंड ये फोन Realme Q5 Pro का एक रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। अब Q सीरीज चाइना स्पेसिफिक सीरीज है, तो वो फोन आपको खाली चाइना में देखने को मिलते हैं, तो सेम फोन डिफरेंट नाम से आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड स्पेसिफिकेशंस भाई बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे ये फोन Realme GT Neo 3 से भी बेटर लग रहा है। एंड द रीजन इज Snapdragon 870, यहां पे आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा। एंड हमको पता है 870 कितना ज्यादा स्टेबल चिपसेट है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, हैवी से हैवी टास्क करना चाहते हो, आप आराम से सारी चीजें कर पाओगे। MediaTek Dimensity 8100 जो आपको Realme GT Neo 3 में देखने को मिलता है, अच्छा चिपसेट है, पावरफुल चिपसेट है, लेकिन अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। गेमिंग में आपको वो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन Snapdragon 870 आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब स्क्रीन यहाँ पे होगी 6.62 इंचेस की, फुल HD डिस्प्ले, सुपर AMOLED पैनल होगा, 120 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, और ये E4 सैमसंग का पैनल होने वाला है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होगा, काफी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट कंजप्शन एंड गेमिंग में आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 80W का फास्ट चार्जर। अब चले कैमरास की तरफ, तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो सेंसर। सेल्फी शूटर यहाँ पे आपको मिलेगा 16MP का। ओवरऑल आपको यहाँ पे डिसेंट कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, अच्छी फोटोज अच्छी वीडियोज यहाँ पे ले पाओगे। अब बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, और रियलमी UI 3.0 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज टाइप यहाँ पे आपको मिलने वाला है UFS 3.1, और वेरियंट्स की बात करूँ तो स्टार्ट होगा 8GB 128GB से, देन 8GB 256 एंड 12GB 256GB वाले वेरिएंट्स आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हो। तो तीन वेरिएंट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। डिजाइन यहां पे एक्सपेक्टेड है कि Realme GT Neo 3 जैसा ही होगा, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है डिजाइन में चेंजेस हो। अब लॉन्च की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जून में ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक्सपेक्टेड है 30,000 के अराउंड, 30,000 के नीचे भी जा सकता है अगर बैंक ऑफर्स या इंट्रोडक्टिव प्राइस Realme लेकर आता है, तो 30 के अंदर भी आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा ऑफर होगा अगर आपको एक परफॉर्मेंस फोन चाहिए। तो आप इस फोन का वेट डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये फोन कैसा लग रहा है, सारी स्पेसिफिकेशंस आपको कैसी लग रही है। मैं मिलता हूं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।